प्रेस लॉर्ड, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए, और खास तौर से प्रभु ने इस सुंदर अवसर मुझे दिया कि आप लोगों के बीच में प्रभु की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने इस सुबह के समय में आप लोगों के बीच में लाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और खास तौर से जिन्होंने मुझे इस समय और परमेश्वर की महिमा के लिए दिया है, प्रभु के दास और पास्टर सोलोमन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस समय मुझे दिया है। मैं खास तौर से आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ प्रभु का वचन में, जो कि भजन संहिता 91 का उसका 13-14-15 पद में जो लिखा है, वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर की वचन में, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा, अपने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। प्रभु की महिमा के लिए अगर हम देखते हैं प्रभु का वचन में यहाँ पे लिखा है, जो हम बार बार प्रार्थना करके ये कहने के लिए जरूरत नहीं कि हमको प्रभु ये तू कर, ये तू दे और ये तू ये कर, ये कर। 14 पद में यहाँ पे लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हम कभी कभी जब जरूरत पड़ेंगे तो, और जो कभी कभी हमको कुछ छुड़ाने का जरूरत होगा, तो हम परमेश्वर से दुआ मांगेंगे और कहते रहेंगे कि प्रभु तू मुझे छुड़ा, यहाँ से छुड़ा, उस बंधन से छुड़ा, उसको पापों से तू मुझे छुड़ा। लेकिन प्रभु का वचन में ये लिखा है साफ साफ, अगर प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर का अगर हम स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो हमको अपने सारे बंधनों से वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रभु का वचन को हम पहले देखना पड़ेगा, प्रभु का वचन को हम पहले जानना पड़ेगा कि प्रभु को हम क्या करने से प्रभु हमको क्या करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हम उसको मांगने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर मुझे तू छुड़ा, लेकिन परमेश्वर का हम प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, तो प्रभु जरूर हमें छुड़ाएगा। दूसरी में यह लिखा है कि मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। प्रभु के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जो कि परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर उनको ऊंचे स्थान पर ले जाता है। परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं, तो परमेश्वर हमको ऊंचे स्थान पर लेकर रखता है। ये परमेश्वर का वादा है। और यहाँ पे 15 पद में भी लिखा है, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसको सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, यीशु को पुकारेंगे, प्रभु को प्रार्थना करेंगे, प्रभु जरूर हमारी सुनेगा और हमको क्या करेगा, सारे मुसीबत से छुड़ाकर हमको बचाएगा। इसलिए धन्यवाद करता हूँ और आज का वचन के लिए, और आपसे उत्साहित करता हूँ, अगर आप लोग इस वचन के द्वारा आशीषित हो तो आप अप्लाई करिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कैसा बातें करता है आपसे, और हम सारे प्रभु का वचन को लेकर हमको आगे हमको हम आपको बढ़ाते रहेंगे। प्रभु हम सबको इस छोटी सी वचन पर आशीष दे। आमेन। थैंक यू सो मच।